थोड़े ध्यान देना है, बिना खाए पढ़ने जा रही है, इसकी आवाज कम न पड़े। मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ और अजय सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज ये इनका दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं उपस्थित हुई हूँ। बहुत ही कामयाब इनका प्रोग्राम हो रहा है। अंबर भाई कह रहे हैं कि ये खाना खाने के बगैर ही पढ़ रही है, लेकिन अंबर भाई मैं आपको बताऊं, अगर मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं जितना पढ़ने के लिए आई थी उसका दुगुना मैं पढ़ के जाऊंगी। मैं खाना खा के आऊं या ना खा के आऊं, बस आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। ऐसे ही होगा। मैं पढ़ती हूँ जी बेटा, बस बता दो। स्वागत। बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दूं क्या, बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दूं क्या, चुभन होती है तुझको रोशनी से, चुभन होती है तुझको रोशनी से, तो क्या मैं जगमगाना छोड़ दूं क्या, बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दूं क्या, अगर तुझको शिकायत है तो कह दे, अगर तुझको शिकायत है तो कह दे, अगर तुझको शिकायत है तो कह दे, तेरे ख्वाबों में आना छोड़ दूं क्या, अगर तुझको शिकायत है तो कह दे, तेरे ख्वाबों में आना छोड़ दूं क्या, मुझे 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 मालूम है मकार है सब, मुझे मुझे मालूम है मकार है सब, तो इस डर से जमाना छोड़ दूं क्या। अंबर भाई, मुझे मालूम है मकार है सब, तो इस डर से जमाना छोड़ दूं क्या, बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दूं क्या। और अंबर भाई, ये इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग जो है बहुत अदब नवाज लोग हैं, शेर को सुनते हैं, शायरी को समझते हैं। तालियां बजा दीजिए। मैं शेर इनके हवाले से पढ़ती हूँ कि कोई सुनता नहीं है सोच करिए, कोई सुनता नहीं है सोच करिए, गजल अच्छी सुनाना छोड़ दूं क्या, कोई सुनता नहीं है सोच करिए, गजल अच्छी सुनाना छोड़ दूं क्या, बता दो जाने जाना छोड़ दूं क्या, मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दूं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर अजय साहब कहते हैं तुम मुझको देखकर ठीक हो गई हो तो क्या तुम्हें सुई लगाना छोड़ दूं क्या। भाई डॉक्टर है तो सुई तो लगेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं और मतलब दो तीन शेर मैं और आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। तुम ना होते तो मर गए होते, तुम ना होते तो मर गए होते, तुम ना होते तो मर गए होते, रिजा रिजा बिखर गए होते, रिजा रिजा बिखर गए होते, काश तुम भी जो आईना होते, काश तुम भी जो आईना होते, खुद ब खुद हम संवर गए होते, हम संवर गए होते। और हमारा ये मंच उर्दू और हिंदी, अजय सर ने यहाँ हर शायर को उपस्थित किया है, हर हवि को। मेरी बहन पूनम श्रीवास्तव साहिबा हैं और मेरे भाई निर्भीक साहब, मैं इन सब की भी दुआएं चाहती हूँ, शेर आप तक पहुँचाती हूँ। स्वागत है। गर ये उर्दू जबान ना शायरों के लिए बहुत बड़ी बात है, गर ये उर्दू ज़बान ना होती, गर ये हिंदी ज़बान ना
हम किधर गए होते, बहुत अच्छे सोचिए हम किधर गए होते। और आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अजय सर अपनी माँ की याद में ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आज फिर माँ की याद आई है, आज फिर माँ की याद आई है, काश हम अपने घर गए होते, काश हम अपने घर गए होते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं श्रृंगार रस आप तक पहुंचाती हूँ, गजल का मतलब दो तीन शेर और मैं आप तक पहुंचाती हूँ। देखते 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 तेरे पास आ गई, देखते 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 तेरे पास आ गई, देखते देखते मेरी जाने मेरी जाने। गजल अब न करना सितम, मेरी जाने गजल अब न करना सितम, तेरे पास आ गई, देखते देखते मेरी जाने। हालांकि आज का ये जो सफर था, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का आखिरी सफर है, लेकिन बहुत प्यारा सफर था। जितना देर मैं सफर में थी, उतनी देर मैं सिर्फ अजय सर के बारे में ही सोच रही थी कि कितना खूबसूरत सा उनका प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं इतनी लेट पहुंच रही हूं, मैं आप तक पहुंचाती हूं। देखते 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 तेरे पास आ गई, देखते देखते मेरी जाने गजल अब न करना सितम, मेरी जाने गजल अब न करना सितम, तेरे पास आ गई, देखते देखते कुछ तो मेरी मोहब्बत का रख ले भरम, कुछ तो मेरी मोहब्बत का रख ले भरम, तेरे पास आ गई, देखते देखते तूने वादा किया था घुमाऊंगा मैं। वाह, तूने वादा किया। अच्छा, इधर के जो लोग हैं वो ज्यादा दिल जले लोग बैठे हुए हैं, इधर के जो लोग हैं बहुत ही खामोश हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दुआएं मुझे देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, भूतपूर्व नौजवान डाइस पे आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौजवान नहीं अभी तक अपनी तालियां जो है खोल पाए। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। देखते 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 तेरे पास आ गई, देखते देखते अब छोड़ दे मुझ पे कर दे रहम, जिद तू अब छोड़ दे मुझ पे कर दे रहम, तेरे पास आ गई, देखते देखते मेरी जाने। बहुत अच्छे, क्या बात है पूनम, जीती रहो चांदनी, जीती रहो चांदनी, खुश रहो। वाह बेटे, बहुत सुंदर, वाह वाह। इमरान भाई भी जो है आपके लिए दरवाजा खोल दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहन पूनम श्रीवास्तव साहिबा ने मुझे अपने अपनी दुआओं से नवाजा, मैं पढ़ती हूँ। चल मेरे साथ कर दूर तन्हाइयां। बहुत अच्छे, गजल की दुल्हन का हुस्न बढ़ रहा है, क्या बात है। चल मेरे साथ कर दूर तन्हाइयां, दिल में बाजेगी तेरे भी शहनाइयां। चल मेरे साथ
मेरे साथ अपना बढ़ा ले कदम, चल मेरे साथ अपना बढ़ा ले कदम, तेरे पास आ गई देखते देखते मेरी जाने गजल, अब ना करना सितम मेरी जाने गजल अब ना करना। बहुत अच्छे, जीती रहो चांदनी बेटे, खुश रहो। वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, कुछ तो मेरी मोहब्बत का रख ले भरम, कुछ तो मेरी मोहब्बत का रख ले भरम, तेरे पास आ गई देखते देखते मेरी जाने गजल, अब ना करना सितम मेरी जाने गजल, अब ना करना सितम, तेरे पास आ गई देखते देखते। बहुत अच्छे, वाह क्या मोहब्बत है, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई मेरी संस्कृत खूबसूरत हो गई। बहुत 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 अच्छे, बहुत बहुत मुबारकबाद अजय सर को, बहुत कामयाब इनका प्रोग्राम हो रहा है आज का ये कवि सम्मेलन। मैं और आप तक पहुंचाती हूँ गजल का मतलब, दो तीन शेर मैं पढ़ती हूँ। इस तरह से धड़कता न था, क्या पता दिल को क्या हो गया, इस तरह से धड़कता न था, क्या पता दिल को क्या हो गया, इस तरह से धड़कता न था, क्या पता दिल को क्या हो गया। आज फिर जी पहुंच गए, बहुत बहुत, बहुत अच्छे। आज के ये जो भूतपूर्व नौजवान है वाकई बहुत, ये भूतपूर्व नहीं है, ये अतीत के गौरव हैं, वर्तमान के बोझ हैं। आज के ये जो प्रोग्राम है मुशायरा मीडिया जो मुंबई से आप लोगों के बीच इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को कवर कर रहा है, मैं पढ़ती हूँ। इस तरह से धड़कता न था, आज फिर उनकी याद आ गई, आज फिर उनकी याद आ गई, जख्म फिर से हरा हो गया। बुजुर्ग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं, क्या बात है। आज फिर उनकी याद आ गई, आज फिर उनकी याद आ गई। शेर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। रात भर वो इसी आस में, पंडित शिव कुमार मिश्र भी आ गए सर। शेर देखिए, हमारे बीच में शिव पूजन जी नेता बीजेपी के हैं और यहाँ क्लर्क भी हैं, और इन बुजुर्गों का बड़ा बड़ा हाथ है आपके आगे ले जाने में। बहुत सुंदर बेटे, छत पे बैठा था बरसात में, है, 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 क्या कहा, रात भर वो इसी आस में, छत पे बैठा था बरसात, छत पे बैठा था बरसात में, चांद बदली निकला नहीं, चांद कहा। ये देखिए, इनका पूरा चांद निकल आया है। आप हमारे बुजुर्ग
पहुंचना था। आज सारे बुजुर्ग आप तक पहुंचना चाहते हैं, बुजुर्गों का इसमें भारी हाथ। अंबर भाई, वक्त बहुत कम है, मैं कोई भी शेर रिपीट करके पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और एक शेर मैं आप तक पहुँचाती हूँ, अजय सर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देखिए अभी जो आपको फूल दिया ये पशु चिकित्सक है, यानी आपको जानवरों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। जी मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इस तरह से धड़कता न था, क्या पता दिल को क्या हो गया। इस तरह से धड़कता न था, क्या पता दिल को क्या हो गया। तू भी खुश है मुलाकात पर, अब जो चाहे जमाना कहे, अब जो चाहे जमाना कहे, प्यार का हक अदा हो गया। अब जो चाहे जमाना कहे, प्यार का हक अदा हो गया। चांद शेर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इतनी ऊंची न परवाज कर, अपने किस्मत पे मत नाज कर। इतनी ऊंची न परवाज कर, अपने किस्मत पे मत नाज कर। हद से से आगे अगर जाएगा, तू समझ ले फना हो गया। वाह बहुत अच्छा चादरी, अरे क्या कहा यार, बढ़िया पढ़े बेटा और कमाल हो गया। मक्ता मैं आप तक पहुंचाती हूँ। हद से आगे अगर जाएगा, मक्ता मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कश्ती इतना इतराना अच्छा नहीं। इमरान भाई आप तक पहुंचाती हूँ मैं। कश्ती ये प्यार में बैठ के इतना इतराना अच्छा नहीं। चांदनी क्या मुसाफिर हुई, चांदनी चांदनी क्या मुसाफिर हुए, जैसे तो ना खुदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वक्त बहुत कम है सर, मैं और पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ती हूँ गजल का मतलब, दो तीन शेर और पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ। हमारे बीच में भूपेश पांडे जी हैं, अमर उजाला के पत्रकार हैं, वो कहाँ हैं? देखिए ये इनके बारे में पता चला है, ये अंदर से बहुत ही शांत और खामोश रहने वाले पुरुष हैं, लेकिन अभी अभी पता चला है चांदनी को देख के इन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है और आज से खामोश रहना छोड़ दिया है। इनके अंदर समंदर सी हिलोरे उठ रही है और बिल्कुल चांदनी में भीग जाने का मन करता है, लेकिन कहते हैं कि चांदनी मोहब्बत जैसी आज की जैसी इबादत नहीं करने देते हमको, ये लोग मोहब्बत नहीं करने देते हमको, ये लोग मोहब्बत नहीं करने देते। चांदनी से कहिए कि इस रात न छत पर चमके, ये उजाले कोई जुर्रत नहीं करने देते। बहुत अच्छा माहौल आप लोगों ने बनाया, मैं गजल का मतलब दो तीन शेर और आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे दिलदार भी बाकी है, जो नौजवान है मैं इनकी भी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। मेरे हमदम मेरे दिलदार भी
मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है, मेरे इस दिल में तेरा प्यार भी बाकी है, मेरे इस दिल में तेरा प्यार भी बाकी है, अभी बाकी है, जितना जाना है। आपके बगल अम्बेडकर नगर से आई हूँ, आपकी ही बेटी हूँ, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। जितना जाना है बुलंदी पे चला जा लेकिन, जितना जाना है बुलंदी पे चला जा लेकिन, जितना जगह लेती हूँ। औरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों, औरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों, औरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों, फातिमा जहरा का किरदार दो माला है, एक हमारी तरफ से एक ओकरी तरफ से, समझो क्या इकट्ठे दी है। अब मुझे आप लोग इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपके बीच आके पढ़ूंगी। हाँ, भाई नीरज जी है, इसको पुनः करने पढ़ने के लिए कह रहे हैं जी, मैं इसको फिर पढ़ दीजिए। मेरे हमदम मेरे दिलदार भी बाकी है, रोज सजती हूँ सवरती हूँ मेरे दिल पर मैं, रोज सजती हूँ सवरती हूँ मेरे दिल पर मैं, रोज सजती हूँ सवरती हूँ मेरे दिल पर मैं, एक तेरे नाम का सिंगार अभी पर सदा इल्जाम लगाने वालों, औरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों, औरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों, फातिमा जहरा का किरदार अभी बाकी है, अभी जोरदार तालियां।